वेलकम। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है और ये वीडियो है ग्लोबल सिटीजन इंडिया और मेरे ख्याल से इसका दूसरा वर्ड है वर्ल्ड फेस्टिवल या वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल इन इंडिया, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। और इसके साथ इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे टाइटल में कोल्ड प्ले। तो पहले मैं बताती हूँ मुझे क्या लगा था जब कोल्ड प्ले मैंने पढ़ा कि कोई ठंड में कोई गेम खेल कोल्ड प्ले ठंड में खेल रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि ये ठंड में खेल रहे हैं। तो पर अब ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। पर एनीवे, पर मुझे लगा यार अगर मैंने ये बात यूट्यूब पे कर दी और मैं गलत हुई तो इन ये तो हंसेंगे हंसेंगे साथ में, आप लोग भी हंसोगे। तो मैंने रिसर्च की है और मुझे अब पता चल गया कोल्ड प्ले क्या है, पर मैं अभी बताऊंगी नहीं, पहले मैं ऋषि से पूछती हूँ कि चलो ऋषि बताएगा। ऋषि पता है कोल्ड प्ले क्या है? क्या इट्स अ बैंड? इट्स अ बैंड। कौन सा बैंड? रबर बैंड? नो, इट्स अ बैंड, इट्स अ म्यूजिकल बैंड। चलो मैं टेस्ट कर रही थी, बेवकूफ तो नहीं बनाना। कह रहा है ये एक म्यूजिकल बैंड है। तो मैंने भी रिसर्च किया, मैं बताती हूँ मैंने रिसर्च में क्या पता किया है। मैंने पता किया है कि कोल्ड बैंड जो है कोल्ड प्ले है वो एक रॉक बैंड है और ये ब्रिटेन का बैंड है, यूके का बैंड है जहां तक मुझे पता। मोस्ट ऑफ योर सॉन्ग्स आर लाइक स्लो, आई डोंट नो हाउ इट्स रॉक। फिर मैंने शायद गलत पढ़ लिया होगा, पर लिखा मैंने जहाँ पढ़ा था वो तो रॉक बैंड लिखा था उन्होंने, तो हो सकता है स्लो रॉक। रॉक कैन बी स्लो, दैट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। बताना कि ये रॉक बैंड है कि नहीं है, क्योंकि कह रहा है वो स्लो गाने गाते हैं तो रॉक बैंड कैसे हो सकता है। या हर चीज में मेरा मजाक उड़ाता है, तो मैं इस वीडियो के बाद इसको सीधा करूंगी। मजाक कर रही हूँ। अच्छा चलो, अच्छा हमने गपशप ज्यादा हो गई हमारी, मुझे लग रहा है। हाँ गपशप मीन्स गॉसिप, गॉसिप नहीं, गॉसिप गशप गपशप इसको गपशप भी नहीं पता क्या होता है। ओके लेट्स गो उधर, वो तो गपशप में ही क्रेजी हो गया। गपशप जिसको हिंदी नहीं आती उसे हो सकता है ये वर्ड अजीब लगे, गप शप। तो अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आपको अजीब लगेगा, मगर जिनको हिंदी आती है अगर वो बार बार बोलेंगे तो हो सकता है उनको फिर भी अजीब लगे। गपशप गपशप इज अ वर्ड। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये तो तमाशा है। तो हम देखते हैं वीडियो, इसको हंसने दो गपशप में। Shahrukh Khan. Welcome to the Global Citizen Festival India. What's the time? Oh wow! कितना सुंदर लग रहा है. You will make it happen. This is Mumbai. ये सब Bollywood के actors actresses हैं. ये Sonakshi Sinha, Shatrughan Sinha की बेटी है. नमस्कार Mumbai. सचिन तेंदुलकर, ये क्रिकेट का टॉप का टॉप मोस्ट हीट, बिकॉज मैं इंडिया से हूँ ना तो मैं तो ये सब जानती हूँ, मेरे टाइम के हैं। ये कौन है? पीएम मोदी। पीएम इज प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली इज नरेंद्र मोदी। Global Citizen Festival outside Central Park in New York is being held in Amchi, Mumbai. क्या मतलब न्यूयॉर्क में हुआ था उसके बाद? Why didn't we go to New York? Oh, हार्ड बना रहे हैं। ओए होए, हिंदी में सुनो, हिंदी में बोल रहे हैं। कह रहे मेरी खुश नसीबी है, I'm happy कि I was able to come here, I was invited. Oh wow, love the firework. Oi, this is what khalbadi khalbadi I think. बहुत ही अच्छा गाना ये। Wow.
वाट लागी। मुझे वर्डिंग से पता मैं गाती थी मगर ओए होए अमिताभ बच्चन जो क्रूरता का जाल है ये आर्त की लौ नहीं ये क्रोध की मशाल है तो खुद की खोज में निकल तो किसने हताश है कुचल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ओह वाह ही से बाद में बताऊंगी अभी मुझसे So, दुनिया के हर कोने से कोई ना कोई आए हैं परफॉर्म करने इसलिए ग्लोबल फेस्टिवल है। क्राउड देखो कितना सारे कितने लोग हैं ओ ये वो अरिजीत सिंह इसके भी गाने बहुत अच्छे होते हैं कितना अच्छा बोला वन मैच जो मैं जीतना चाहता हूँ किसी भी I commit to build 10 lakh homes for the homeless by 2019 and I pledge 15,000 crores for that. Coldplay अच्छा है no नहीं वैसे background the Vamps लिखा हुआ future Vamps ये सबसे कम बेटी है आता है अच्छा ये शक्ति कपूर की बेटी है एक्ट्रेस है गाना भी गाती है मुझे पता चला जब हो वाटर हाइजीन और सैनिटेशन आई वुड लाइक टू मेक अ कमिटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट दैट बाय द नेक्स्ट वर्ल्ड टॉयलेट डे देयर विल बी 300,000 विलेजेस 200 डिस्ट्रिक्ट्स 6 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज बिकमिंग ओडीएफ वाओ वेरी गुड ओए होए हिंदुस्तानी कितना सुंदर लग रहा था ऊपर से फायरवर्क्स देखो कितने सुंदर है ये भी कितना सुंदर लग रहा है लाइट्स लगा हाथ में कैमरा दिस इज कोल्डप्ले अच्छा कोल्डप्ले देखते हैं ओह यस दिस इज कोल्डप्ले लेजर लाइट्स देखो कितना लेजर शो कितना सुंदर है इसके लिए मोस्टली देयर बिकॉज़ यू अबाउट द स्काई दिस इज कोल्डप्ले या दिस इज कोल्डप्ले यू अबाउट द स्काई हार्ड बना रहे हैं सर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इट कम्स ऑन ये हमारे रेडियो में आता है रोज के साथ बैक स्टेज पे वो पीछे से सारे फायरवर्क्स भी कर रहे हैं आई थिंक देयर स्मॉल स्टार्स कटिंग्स होंगी ना पेपर स्मॉल कटिंग्स ऑफ स्टार्स बिकॉज़ ही टॉक अबाउट द स्काई
Wow. कितना सुंदर ये है. जस्ट मोर कटिंग टू स्टार. ओह इंडिया का फ्लैग लेके. वेरी नाइस. बहुत ही अच्छा किया. मातरम दोनों गा रहे हैं इकट्ठे. बंदे मातरम. वाओ दे सकता है. आप दे सकते हो. क्यों नहीं हम गए. मैं बताती हूँ जो बहुत सिंपल आंसर है. क्योंकि हम यहाँ पे थे. न्यूयॉर्क. नहीं न्यूयॉर्क में नहीं है ना. ये पहले शायद हुआ था. यहाँ पहले हुआ था जहाँ तक मुझे समझ में आया इस वीडियो में. और उसके बाद फिर यहाँ पे हुआ है. और ये मेरे ख्याल से 2017 में हुआ था. तो 2017 में तो हम यहाँ पे थे. तो कैसे वहां जा सकते हैं. पर परफॉर्मेंस अमेजिंग है. ओ माय गॉड. और इतना क्राउड. इतनी दुनिया. इतने इंडियंस जो आए हैं. और मुझे लग रहा था मोस्टली सब यंगस्टर्स थे. ऐसे लग रहा था स्कूल या गोइंग और कॉलेज गोइंग किड्स. वो यूजुअली ओनली लाइक कॉलेज इन ओनली लाइक कॉलेज दे ओनली गो टू कॉन्सर्ट्स. लाइक नो नो क्यों हम भी जाते हैं. नो 8 ईयर ओल्ड गोस टू कॉन्सर्ट्स. 8 ईयर ओल्ड नहीं. मैं मतलब बड़े लोगों की बात कर रही हूं. मतलब दादा दादी. दादा दादी लोग क्यों नहीं जाते. दे डोंट नो. दे डोंट गो. इट्स मेड फॉर टीन्स. ओके ओके ओके. तो भाई आजकल के जमाने के बच्चे हैं कि भाई टीन्स के लिए होता है. इट्स ट्रू. इट्स ओके. तो पर हम भी जाते अगर हमें होता चाहे हम टीन्स नहीं है. तो सॉन्ग्स गाने अमेजिंग थे. पर मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि इन्होंने साथ में तो फन किया. म्यूजिक और ये सब तो था ही. पर बीच में उनके एजुकेशनल मैसेजेस भी थे. तो जैसे सचिन तेंदुलकर का बहुत ही अच्छा मैसेज था कि भाई आप अपने हाथ जब भी खाना खाने से पहले हाथ जरूर धो. और जब आप रेस्टरूम से बाथरूम से आते तो उसके बाद भी साबुन से अपने हाथ जरूर धो. उससे क्या होगा आपके जर्म्स नहीं होंगे. आपको अंदर बॉडी में जाएंगे. आप बीमार नहीं होंगे. और यही बात मैं ऋषि को भी हर बारी बताती हूँ. तो अब यहाँ पे भी सुन लिए तो शायद थोड़ा असर ज्यादा होगा. इसको तंग करने में मुझे काफी मजा आता है. और साथ में ये अच्छा है. ये मुझसे पूछ रहा था कि जब अमिताभ बच्चन ने वो बोला था कि वो क्या बोल रहे हैं. क्योंकि वर्डिंग्स बहुत अच्छी थी. पर मुझे अब सारा वीडियो देख के काफी भूल गया है. तो अगर थोड़ा याद हो तो करेक्ट कर देना. पर जनरल मुझे या जहां तक ध्यान में आ रहा हूं ये था कि आप अपने क्या था वो कि अपनी खोज में. खोज में मतलब कि अपने आप का ट्रू सेल्फ अपनी फाइंड करने के लिए बिना किसी के डर के या कुछ अकेले तुम चलो और अपना अचीवमेंट करो. मतलब इनडायरेक्टली मुझे वर्डिंग्स उस टाइम अगर मैं ट्रांसलेट कर पाती तो मैं जरूर कर देती. पर अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या बोला था. पर जो बोला था बहुत ही ब्यूटीफुल था. और उसमें मतलब एक मैसेज था कि आप अब ये आप जो हो आप एक आग टाइप हो. ज्वाला टाइप हो. फायर है तुम्हारे अंदर. उस फायर को बुझने मत दो और उस फायर को यूज करके अचीव करो. हाउ एम आई सपोज्ड टू अंडरस्टैंड. तो घर में भी तो हिंदी बोलते हैं. मतलब यू हैव अ फायर बर्निंग इनसाइड यू एंड यू शुड लेट दैट फायर बिकम मोर यू नो इंटेंस सो दैट यू कैन यूज दैट फायर टू अचीव हायर थिंग्स इन लाइफ एंड हैव बीइंग सक्सेसफुल. Okay, yeah. Kind of. Yeah. I mean, there were lots of other meanings in there, but yeah. I mean, this is what I'm going to translate. ये ऐसे translate करके मैं इसको समझाऊँ. To summarize, be confident. हाँ, be confident. तो अब इसके बाद अब क्या करें भाई. बेटे को बोलते तो हिंदी में और जब यहाँ पे वीडियो में करे तो बोलता समझ नहीं आती. घर में पूरा दिन हिंदी बोलते हैं. अब ये समझ आई ना. ये समझ आ तो ये नो यू डोंट कह रहे. मैं कह रही हूँ हिंदी बोलते हैं. Like complex. अच्छा complex. वो जब थोड़ा हाई लेवल की बातें करते हैं ना तो इसको समझ में हिंदी में नहीं आती. फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी पड़ती है. और जो लाइटिंग जो स्टेज जैसे सेटअप किया हुआ था. फायरवर्क्स और लेजर का डिस्प्ले. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. तो यही है बस कि काश हम उस टाइम इंडिया में होते और मुंबई में होते तो हमारे को भी शायद ये मिलता मौका देखने का. क्योंकि हमने तो अभी तक कभी ऐसी परफॉर्मेंसेस जब से ऋषि पैदा हुआ है.
YouTube live. So उससे क्या होता है, तो यही ना YouTube live you can see it as it's happening. वहां पे जाने का अपना मजा है rather than YouTube live. तो मतलब काफी अच्छा वीडियो था. और अगर आप देखेंगे यूएसए में भी ऐसा होता है, और नॉर्मली क्या करते हैं कि वो पैच ऑफ लैंड लेते हैं जो खुला एरिया होता है, वहां पे मोबाइल स्टेज बनता है, सब कुछ वो लगा के जा सकते हैं. सही बोल रहे थे कि न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क में हुआ था, वो सिर्फ पार्क ही है. तो बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर पैच ऑफ लैंड, रेक्टेंगुलर पैच ऑफ लैंड ढूंढते हैं जहां पे आसपास रोड्स हैं, इजी एक्सेस है, इलेक्ट्रिसिटी उनको मिलेगी, और वहां जाके पूरा स्टेज बना देते हैं, सिक्योरिटी करते हैं. लास्ट वेगस में बहुत कॉमन है ये, लास्ट वेगस में शोज होते हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं और कॉन्सर्ट्स होते हैं. अब मुझे यहां से याद आता है कि जब मैं छोटा था, टीनेजर था, तो दिल्ली में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन आया था कॉन्सर्ट के लिए. तो पता ही नहीं कौन, और उसका एक बहुत ही ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का सॉन्ग बताना, बॉर्न इन यूएसए जो सॉन्ग है, बॉर्न इन द यूएसए जो सॉन्ग है, वो बहुत ही मशहूर सॉन्ग है. तो वो के लिए आया था, मगर मैं नहीं गया था क्योंकि उस वक्त एग्जाम हो रहे थे. और उसी टिपिकल इंडिया में यही होता है, एग्जाम हो रहे थे तो मैं नहीं गया, मगर मेरे दोस्त वगैरह तो हैं वो गए थे. तो क्या होता है कि पीयर प्रेशर होता है इंडिया में, कि आप देखते हैं कि सारे दोस्त जा रहे हैं तो आपको भी जाना है. मगर मैं जिससे दूसरे किस्म का इंसान था, मेरे को कहा था भाई आपने जाना आप जाइए, मगर मुझे पता है एग्जाम आ रहे तो मैं तो नहीं जा सकता, जिंदगी पूरी पड़ी है देखने के लिए कंसर्ट्स. तो वो गए, और जो मतलब जो भी पॉइंट है के लिए इनडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है. मतलब पॉइंट ये होता है कि पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं गया, मैंने आराम से एग्जाम दिया, मैं कहीं और पहुंचा और वो लोग कहीं और पहुंचे अपनी उस गलती के लिए. और क्योंकि इंडिया में जो है उस वक्त ऐसा नहीं था कि आप एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम जो है 24 घंटे, इस साल में एक बार ही एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, अगर अगला होगा अगले साल आता है. जैसे यूएसए में ऐसा नहीं होता, यूएसए में जो होता है हर महीने आप दे सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स, और मल्टीपल बार दे सकते हैं, और जिसमें आपका मैक्सिमम स्कोर आएगा, जिसमें ज्यादा स्कोर आता है उसे यूज कर सकते हैं. मगर इंडिया में टफ काम होता है, और अगर इंडिया में आप एक साल मिस कर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, दुनिया आगे निकल जाती है. तो इसलिए जो है, और तो पीयर प्रेशर जो है वो नहीं होना चाहिए. और उसके बाद मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि वो मेरे जो फ्रेंड्स है वो गलत थे, क्योंकि जिनमें इतनी अकल नहीं थी कि क्या जरूरी है. तो उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स ही बदल दिए. अच्छा, तो इसमें आप लोगों के लिए एक मैसेज दे रहे हैं वो, कि पढ़ाई करो आप लोग, ऐसे कॉन्सर्ट्स में मत जाओ, और वो कॉन्सर्ट की अगर टिकट आपने गलती से ले ली है, इवन अगर खाली भी हो, एग्जाम नहीं है तो भी पढ़ना है, बहुत काम है, तो आपने नहीं जाना, आप वो टिकट हमें मेल कर देना यूएसए में, हम यहाँ से फ्लाई करके आएंगे. और उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आप हमें टिकट भेज देना, हम यहाँ से फ्लाई करेंगे, मैं और ऋषि हम फ्लाई करके, डेरा नहीं जाएगा, डेरा अपना काम करेगा यहाँ पे, हम दोनों जाएंगे, इंडिया आएंगे, हम वो पूरा आपका जो कॉन्सर्ट आपने नहीं करना क्योंकि आप भी बहुत मेहनती हो, तो वो उसकी जगह हम जाएंगे, हम रिकॉर्ड भी करेंगे, फिर हम अपने इस YouTube चैनल में डाल देंगे ताकि आप भी देख सको. दूसरा पॉइंट मेरा ये था, कॉन्सर्ट में तभी जाना चाहिए अगर जो भी वहां पे प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं, जो भी प्रेजेंट करने के लिए, आप उनको जानते हो और उनके फैन हो. क्योंकि जब ये आ रहा था तो मेरे को कई सॉन्ग्स नहीं पता थे, तो मेरे को बोर हो रहा था मैं, जबकि मतलब अब ये है कि लोग चिल्ला रहे हैं तो मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूँ जो, क्योंकि लोग चिल्ला रहे हैं मैं भी चिल्लाऊंगा, मैं नहीं चिल्लाता. अगर मुझे कोई सॉन्ग पसंद नहीं है तो मुझे नहीं पसंद, मैं चिल्ला नहीं सकता ऐसे. तो और मगर जब कोल्डप्ले आया था तो उसका सॉन्ग जो है रेडियो में रोज आता जाता है, तो सुन के अच्छा लगा, तो खुशी हुई कि हाँ भैया ये सॉन्ग है सुना हुआ. तो अल्टीमेटली अगर इतना, और नॉर्मली ये कंसर्ट बड़े महंगे होते हैं, तो अगर पैसा उजाड़ना ही है कंसर्ट के लिए तो तभी जाओ जो प्रेजेंटर आ रहे हैं हम उनको जानते हैं, जो प्रेजेंटर मतलब आपको यूज हुआ, आप उनके फैन है, उनके फैन नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता पैसा उजाड़ने का. वो तो है इनको भेजो पैसा. तो चलो फ्रेंड्स, हम लोगों का तो काफी हंसी मजाक हो गया इसके साथ, पर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शो था, फेस्टिवल था, अमेजिंग कि इंडिया में हुआ, बहुत वेल ऑर्गेनाइज लग रहा था, और क्राउड अमेजिंग था, शो बहुत अमेजिंग था, और बेस्ट पार्ट था कि ग्लोब से जैसे बता रहे काफी फेमस जो परफॉर्मर्स हैं वो यहाँ पे आए थे,
और एंड करेंगे हम इस वीडियो को यही कह के कि आगे से इन फ्यूचर आप इन कॉन्सर्ट्स में मत जाना और टिकट खरीद के प्लीज हमको भेज देना ताकि मैं और ऋषि ऐसे कॉन्सर्ट्स को देखे इंजॉय कर सके. फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल 1-800-222-222. आज ऋषि का आपने असली रूप देख लिया. अब हम चलते हैं, नहीं तो ज्यादा कुछ हो जाएगा. तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं और मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जल्दी. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.